सो हे गाइस व्हाट्स अप, आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये बिजनेस डैशबोर्ड जिसके अंदर आपको बटन्स मिल जाएंगे जिन पे आप क्लिक करके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस दिखा सकते हो, जिससे आप अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन या फिर एजुकेशन का कोई आपको डाटा रिप्रेजेंट करना उसे कूल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो और एक कूल डैशबोर्ड बना सकते हो। ये यूजुअली आपको वेबसाइट पे ये डिजाइन मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये पावर पॉइंट में बनाना सिखाऊंगा। इनकी जो स्लाइड्स होंगी डिजाइन की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लेकिन अगर इनका ट्यूटोरियल चाहिए तो आपको लाइक एम करना पड़ेगा 1000। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हियर आर द स्लाइड्स जिसके अंदर पहली इनसाइट वाली, दूसरी प्रोजेक्ट स्टेटस, तीसरी डाटा रिप्रेजेंटेशन, चौथी KPI, पांचवी ओवरव्यू कंपैरिजन, उसके बाद रोड मैप और उसके बाद एक इंफोग्राफ जिसके अंदर आप बता सकते हो आपने क्या क्या चीजें की या फिर आप इसे से प्रोसेसेस इंक्लूड कर सकते हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो आपका ये जो पहली स्लाइड का पेज होगा ये मैं बनाना सिखाऊंगा, और इसको इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू स्लाइड क्रिएट कर लेंगे। अच्छा हमको सिखा रहा है। हम अपना टॉपिक देंगे, टॉपिक हमारा बेसिकली क्या होगा, डैशबोर्ड होगा। तो यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, डैशबोर्ड लिख देना है, और इसका जो इसकी जो हम टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट फॉन्ट कह सकते हैं वो 44 लेंगे और एरियल नोवा लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इस केस के ऊपर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एरियल लिखा, फिर नोवा लिखा, और यहाँ पे हमने ये लिख दिया है। उसके बाद हमने इसका साइज बढ़ा देना है, बोल्ड कर देना है, और फिर इसे एज अ सेंटर अलाइन कर देना है। अब उसके बाद हमारे को एक छोटा सा ऐड कर देना, एंटर योर सबटाइटल, जो आपको नॉर्मल एक एज सबटाइटल बताना हो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसका भी हम रखेंगे एरियल नोवा, लेकिन इसके अंदर हम जो है स्पेसिंग रख देंगे, जैसे कि स्पेसिंग इन द सेंस यहाँ से आप जा सकते हो और इसे लूज कर देना, और इसका साइज और थोड़ा छोटा कर देंगे हम, और इसको हम इसके नीचे लगा देंगे। इतना हो गया। इसके बाद आपको एक रेक्टेंगल चूज करना है, वो एज अ बनाना है, और इसको आपने अपनी मर्जी से शेप दे देनी है। मैंने इसको ऐसी शेप दे दी। उसके बाद इसको डुप्लीकेट करेंगे। ये डुप्लीकेट करने से पहले आप इन सब की आउटलाइंस हटा देना, क्योंकि आउटलाइंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपने फिर यहाँ पे ये ऐड किया, उसके बाद आपने फिर एक और बनाना है। इसके बाद आपने इसको ऐसे एज अ स्क्वायर्स बनाते जाना है अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर 7 फैक्टर्स रखे हैं, 4 ये और 3 ये, तो मैं इसी डिज़ाइन कॉपी करूँगा फिलहाल तो। और मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लगा देना है, फिर हमें ये यहाँ पे यहाँ से लेके इसको समथिंग इतना, फिर हम इसको इसका भी साइज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, और हमने ये इतना कर दिया। अब उसके बाद हमने वापस से करना है, फिर ये हमने इतना ऐड कर दिया, और इसके बॉटम में हमने ये इतना ऐड कर दिया। तो हमने ये बेसिकली बना लिया कर्ललेसली। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इनकी स्पेसिंग ठीक करनी है। हमारे स्पेस पूरा कर लिया, इतना स्पेसिंग वेसिंग सब कर ली। अब हमारा जो स्टेप बचता है, अब बचता है वो कलर का। तो मैंने बेसिकली एक कलर पैलेट यूज की थी, और मैं सेम कलर्स करूंगा, तो आप लोग एकदम से टाइम लैप्स देख लो मैंने ये कैसे कैसे किया है। सो नाउ आई एम डन, और अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब यहाँ से हमें ये जो टेक्स्ट है ये वापस से इसके अंदर डालना है। तो टेक्स्ट डालने के लिए आपको नॉर्मली टेक्स्ट बॉक्स लेना है, इसके अंदर टेक्स्ट देना है, तो मैं कैप्स लॉक के ऊपर यहाँ पे लिख दूंगा हम, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा था इनसाइट, तो हम अभी इनसाइट ही लिख देते, ठीक है। इनसाइट हमने लिख दिया। अब हमने इसका साइज जो है 24 करना है, कैलिब्री बॉडी रख देना है, बोल्ड कर देना है, और अब इसे अलाइन कर देना है। हमने अलाइन कर दिया, इसका कलर वाइट कर दिया। अब उसके बाद हमें जस्ट ये सब के साथ करना है, तो मैं आप सब में करके 2 मिनट में आपको मिलता हूँ। इतनी देर आप लोग इस चीज का टाइम लैप्स देखो। अब हमने बेसिकली ये टेक्स्ट भी ऐड कर लिया, लेकिन ये जो है ग्रे कलर के ऊपर व्हाइट कलर अच्छा नहीं लगेगा, मैं ब्लैक करना नहीं चाहता, तो हमने एक शेप ऐड कर दी थी इसके अंदर भी, और ये और इस टाइम भी हम यही करेंगे। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे या
शेप फॉर्मेट में जाके एडिट शेप में जाएंगे, चेंज शेप और फिर से राउंडेड सर्कल कर देंगे, इसको पूरा ऐसे कर देंगे। और जो हमने ये वाला शेड यूज किया था इसी को हम पहले एक बार फिल करेंगे मोर फिल कलर्स में जाके, इसी को थोड़ा ऐसे करके हमने डार्क कर देना है। हमने ही कर दिया, उसके बाद आप अपने हिसाब से इसे अलाइन कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये अलाइन भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें आइकन्स ऐड करने हैं। तो आइकन्स मैं यहीं से एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ सारे। तो मैं जैसे कि यहाँ से मैंने कॉपी कर लिए, यहाँ से मैंने इन्हें सेलेक्ट किया, कॉपी किया। उसके बाद आप जो है अपनी मर्जी के हिसाब से आइकन चूज कर सकते हो। मैंने इन्हें चूज किए, आप ये गूगल से ले सकते हो और या फिर आप मेरी तरह प्रेफर कर सकते हो। आइकन स्काउट एक प्लगइन है, आइकन स्काउट और आइकन जो नाउन प्रोजेक्ट और आइकन स्काउट की तरफ से है, तो आप उसे देख सकते हो, जिससे आप SVG फॉर्मेट के अंदर आइकन्स ले सकते हो। अब आपने ये कर दिया, अब आपको क्या करना है बेसिकली, अब मैं पहले ये कलर शीट डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको हाइपर लिंक ऐड करना है, जिससे आप जिस स्लाइड के ऊपर क्लिक करो वो जाके जूम हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना पड़ेगा, ये जो कलर है हमारा, और यहाँ पे जाके एक्शंस में हाइपर लिंक पे क्लिक करके आपको यहाँ पे चूज करना होगा हाइपर लिंक टू स्लाइड, और उसके बाद उस स्लाइड को पिक कर लेना होगा। जैसे इनसाइड के लिए स्लाइड नंबर 3 है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। और उसके बाद आपको बेसिकली उस स्लाइड पे जाना होगा और आपको एक एरो वाली इमेज लेनी होगी, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। और मैंने कैसे एरो लेना है, उसके बाद आपको इसे रोटेट कर देना है, इसे आउटलाइंस हटा देनी है, कलर वाइट कर देना है, और उसके बाद सेम चीज रिपीट करनी है। ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से बता पाऊँ। यहाँ पे आपने इंसर्ट पे जाना है, जूम एक्शन पे जाना है और हाइपर लिंक टू आपको क्लिक कर देना है फर्स्ट स्लाइड, क्योंकि हमारी फर्स्ट स्लाइड ही हमारा डैशबोर्ड है। अगर आपका नहीं है तो आप स्लाइड्स पे जाओ और वापस से उस स्लाइड को चूज कर लो, जैसे मैं अब यहाँ पे स्लाइड 1 को चूज कर लेता। अब आप फिर जब भी करोगे तो आपका ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो ताकि ये थोड़ा सा कूल लगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं अब मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। Thank you.